at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो तब यहाँ के निवासियों पर बड़ा अत्याचार होता था। तमाम टैक्स तो देशवासियों पर थोपे ही गए थे, इसके अलावा भी कई तरह से भारतवासियों का शोषण किया जाता था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अंग्रेजों के शोषण का एक तरीका था कुली बेगार। इसमें इलाके के लोगों को अंग्रेजों के दौरे के समय उनका सामान अपने कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाना होता था। इसके बदले नागरिकों को कुछ नहीं मिलता था। इसका विरोध किया बद्रीदत्त पांडे ने। असल में जब पूरे भारतवर्ष में हम आज़ादी की लड़ाई अपने चरम में थी, पूरे शबाब में थी, तो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे थे उनकी ओर भी आंदोलनकारियों ने सरकार का जो व्यवस्था थी ब्रिटिश हुकूमत की उस टाइम उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हमारे इस आंचलिक जो खंड है हमारा कुमाऊं, यहाँ पर तब एक गैरकानूनी कानून हमारी जनता के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने थोपा हुआ था, जिसको कुली बर्दाश्त एक्ट कहा जाता था, कुली बर्दाश्त कानून कहा जाता था। तो उसमें हमारे लोगों को द्वारा अंग्रेजों द्वारा उनसे बहुत काम कराए जाते थे, इवन आपके घरेलू काम भी उनके द्वारा, उसका मेहनताना उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तब हमारे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनमें श्री कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे जी, मोहन सिंह मेहता जी, हरगोविंद पंत जी और रामलाल शाह जी समेत अनेक आंदोलनकारी इस लड़ाई में इस मुहिम में थे। तो उन्होंने सरयू तट पर सन 1921 में बागनाथ को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर शपथ ली थी कि हम जब तक इस काले कानून को यहाँ से नहीं दूर करेंगे, हटाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो उत्तरायणी पर्व में 1921 उत्तरायणी पर्व में कम से कम 40-50 हज़ार का एक जन समुदाय यहाँ पर था। जन समूह ने उस रक्तहीन क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व किया और जो उस कानून की जो बहियाँ थी, जो रजिस्टर थे, उनको सरयू नदी में प्रवाहित किया। कुमाऊं परिषद के अंदर देखिए 1919 जलियांवाला कांड, रौलेट एक्ट, ये आते नहीं आते हैं। ये जो घटनाएं थी रौलेट एक्ट में बहुत बड़ा जुलूस उत्तराखंड में निकला था, अल्मोड़े में तो बकायदा एक बहुत बड़ा गांधी की गिरफ्तारी के बाद, ये तमाम चीज़ें वो चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच में अब मैं आपको ले जाता हूँ कि कुमाऊं परिषद में दो धड़ों का होना, एक उग्र धड़ा एक नरम धड़ा। उग्र धड़े के होने के बाद जनता के बीच में जो मैसेज गया वो बड़ा सकारात्मक मैसेज गया। जैसे कतियूर के अपना जो वो थे काश्तकार, इन्होंने पटवारी को खाजा देना बंद कर दिया, हम नहीं देंगे खाजा, 1919 हम खाजा नहीं देंगे। दूसरा, जब पटवारियों का खाजा बंद हुआ तब थोकदारों को लगा कि अब हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ना होगा। ठीक है, हम अंग्रेजों के थोकदार हैं, लेकिन हमें जुड़ना होगा। बद्रीदत्त पांडे ने हुंकार भरी तो स्थानीय लोगों ने भी अंग्रेजों को कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंखें दिखाने की हिम्मत दिखा दी। इसके बाद शुरू हुआ कुली बेगार प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन। डायबल ने उनसे कहा कि तुम अंग्रेजी सरकार की शक्ति को नहीं समझते हो, जानते हो क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, फांसी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो काम करने के लिए आया हूं इस काम को करके ही जाऊंगा। तो डायबल ने उनसे कहा कि मैं हुक्म देता हूं 3 बजे सवेरे तक बागेश्वर से चले जाना। पांडे जी ने कहा तुम लिख के दो कि मुझे 3 बजे से जाना होगा। डायबल ने उनको लिख के दे दिया। इस लिखित आदेश को लेके सवेरे सवेरे पांडे जी सरयू बगड़ में पहुंचे और सरयू बगड़ में काफी विशाल जन समूह एकत्रित था। उन्होंने पूछा जी आपके डिप्टी कमिश्नर से क्या बात हुई।
तो उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि मैं 3 बजे तक यहां से चला जाऊं। अगर तुम कूली देना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुम कूली नहीं दोगे तो मैं यहीं रहूंगा, मेरी लाश जाएगी। जनता ने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं, हम कूली नहीं देंगे। सांकेतिक तौर पे इन पटवारियों ने वहां पे अपने रजिस्टर फाड़ के गंगा में प्रवाह कर दिए। पांडे जी ने भी वहां एकत्रित जनसमूह से कहा कि आप पवित्र सरयू के किनारे हैं, यहाँ प्राचीन बागनाथ का मंदिर है, उत्तरायणी का पावन पर्व है, आप आज गंगा के जल को हाथ में लेके शपथ खाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज से कूली नहीं देंगे। जनता ने ऐसा ही किया। जो पांडे जी के पास आदेश था 3 बजे तक बागेश्वर छोड़ने का, उसको भी फाड़ के वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। बद्रीदत्त पांडे का कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में योगदान इतिहास में अमर हो गया। उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया। आजादी की प्लेटिनम जुबली पर कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को शत शत नमन।